गुड मॉर्निंग. टुडे वी विल डिस्कस ए न्यूमेरिकल रिगार्डिंग वैन डर वाल्स इक्वेशन एज वेल एज आइडियल गैस इक्वेशन. द न्यूमेरिकल ए वेसल ऑफ 2.75 मीटर क्यूब कैपेसिटी कंटेन्स 5 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन at 300 Kelvin. Calculate pressure exerted by the van der Waals equation and compute the result. The terms we have to calculate the pressure exerted in the van der Waals equation. So first of all, we know the what is van der Waals equation. Already we have discussed the van der Waals equation is P plus A upon V square into V minus D is equal to RT, where A and V are the constant. तो इस जो equation है van der Waals equation में उसमें pressure की क्या value होगी ये हमें calculate करना है. The two terms are given. A is equal to 135.35 into 10 to the power 3 newton meter raised to the power 4 किलोग्राम मोल का स्क्वायर एंड बी की वैल्यू जो दिया है दैट इज 0.0314 मीटर क्यूब पर किलोग्राम मोल. द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर गिवन. देन दिस इक्वेशन मे बी रिटन एज इनटू दिस वे बिकॉज व्हेन वी सॉल्व दिस हियर पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आरटी अपॉन बी माइनस बी. अब ये इधर जाएगा तो ये माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा. तो पी की वैल्यू हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन बी माइनस बी माइनस ए अपॉन बी का स्क्वायर. अब आर जो है वो गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू है दैट इज द 8314. टी टेम्परेचर है जो कि टेम्परेचर की वैल्यू वी पुट हियर दैट इज 300 केल्विन बिकॉज 5 kg of oxygen at 300 Kelvin. So R is here 8314, T is 300, V volume की value दिया हुआ है that is volume की value अगर हम calculate करें 1 kg of molecule of oxygen that is equal to the 2.75 upon 5 into 32. 32 जो है उसका एटॉमिक नंबर है तो वहां से वॉल्यूम की वैल्यू आएगी दैट इज 17.6 मीटर क्यूब. इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पे दिया है वेसल में 2.75 कैपेसिटी जो है वो गैस की है जो कि ऑक्सीजन है. 2.75 इसका वॉल्यूम हो गया और 5 केजी क्या है इसका मास हो गया. तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 किलोग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा दैट इज इक्वल टू द 2.75 उसके वॉल्यूम से हम मास में मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड कर देंगे देन इनटू 32 इसका जो आपका ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक नंबर होता है सो 16 इनटू 2 दैट इज इक्वल टू 32. पुट हियर 2.75 अपॉन 5 इनटू 32 सॉल्विंग दिस वी गेट दिस वैल्यू इज 17.6. Next, when the value of pressure in the van der Waals equation, we put all the relative term, R की value रखा, T की रखा, V 17.6 जो कि अभी हमने यहाँ पे calculate किया है, B. अब ये जो B है, this B is equal to यहाँ पे दिया हुआ है starting में ही numerical के, that is 0.0314. तो B की value हम यहाँ पे put कर देंगे. A यहाँ पे दिया है 139.35 into 10 to the power 3. A की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया. V अभी हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाला है 17.6. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी गेट हियर द वैल्यू बिकम 1.43 बार. तो प्रेशर की वैल्यू वैन डर वाल्स इक्वेशन में जो आई दैट इज 1.43 बार. अब हमें यही वैल्यूज को कैलकुलेट करना था कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन. तो सबसे पहले हमको वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है वो याद होनी चाहिए. P plus A by B square into V minus B is equal to RT.
वहां पे a और b के टर्म्स की वैल्यू दिया है, देन वी कैलकुलेट दिस वैल्यू. सेकंड इज कंप्यूट द रिजल्ट. अब हाउ टू कंप्यूट द रिजल्ट इनटू दिस वे, वी नो दैट अगर r जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट है और ऑर्मा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 8314 होती है. m ऑक्सीजन गैस है तो मॉलिक्यूलर इसका जो वेट हम लेंगे 32. अब r की वैल्यू आ गई 259.8. हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में pv mRT होता है. वी पुट हियर p mRT / v. m की वैल्यू हियर इन द न्यूमेरिकल इज गिवन दैट 5 kg ऑफ स्टीम, सो m = 5, r = 259.8, t दैट इज 300 केल्विन, और जो कैपिटल v अभी हमने यहां वॉल्यूम की वैल्यू दिया है दैट इज 2.75. यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी 1.417. मतलब हमने प्रेशर की वैल्यू एक बार वैन डर वाल्स इक्वेशंस के जो टर्म्स दिए था उस पे हमने कैलकुलेट किया, और दूसरा जो सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट द वैल्यू बिकम सेम. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वैन डर वाल्स एंड हाउ टू कंप्यूट द रिजल्ट्स वेल बाय द आइडियल गैस इक्वेशन इनटू दिस वे. ओके, ओके, नाउ in the next numerical regarding van der Waals equation, similarly the formula is same in all the numericals regarding van der Waals equation, that is p plus a upon v square u minus v equal to r. So this is the second numerical of the van der Waals equation. The statement of the numerical is a cylinder of volume capacity 0.1 meter, ek cylinder hai jiska volume capacity hai 0.1 meter, is filled with 1.3 kg of ammonia. Ammonia NH3, अगर हम अमोनिया का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन 1:3, दैट इज द 17 का जो आपका एटॉमिक वैल्यू है दैट इज 17. अमोनिया एट 2 MPa. प्रेशर इज हियर दैट इज 2 MPa, सो वी हैव टू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ 2 MPa इनटू द बार. So 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. So ये हो जाएगा 2 × 10⁶. Pressure using van der Waals equation. यहाँ पे हमें जो determine करना है, determine the temperature at which ammonia exists in cylinder. वो temperature जिस पे ammonia cylinder के अंदर exist कर रही है. जहाँ पे a की value दिया है van der Waals equation की 422.5 × 10⁻³. यहाँ पे PA जो प्रेशर है वो टर्म में दिया हुआ है. A वैन डर वाल्स इक्वेशन में जो दो आपके कांस्टेंट हैं A और B, उन दोनों की वैल्यूज जो दिया है, A की वैल्यू 422.5 × 10⁻³, PA मीटर क्यूब पर मोल का होल स्क्वायर, एंड B इज इक्वल टू 37 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर मोल. A और B की वैल्यू दिया हुआ है. अब इससे हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंपरेचर दैट एग्जिस्ट इन द वॉल. तो सबसे पहले जो एवोगाड्रोस लॉ है वो इट एक्सप्लेन दैट कि सपोज दैट कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम इतना है, अब उसमें कितनी गैस रखी गई है ये डिपेंड करता है. इट इज एवोगाड्रोस लॉ, जो टोटल मास है इट डिपेंड्स अपॉन स्मॉल n इनटू कैपिटल m. m जो है हियर 17, अमोनिया गैस के लिए हम बात कर रहे हैं तो इसका नंबर जो होगा वो 17 होगा. यहाँ पे 1.35 जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, जितना मास है अमोनिया का वो है 1.35 kg, तो उसके एटॉमिक नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, सो n इज इक्वल टू 0.0794. मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, जितना भी वॉल्यूम आया हम स्मॉल n से डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अमोनिया फॉर 0.35 kg ऑफ मास, नॉट 0.35, दिस वन इज द 1.35. अब a की वैल्यू दिया था
पहले 4.22.5 into 10 to the power minus 3 PA. PA जो है इसको हमने चेंज कर दिया है 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब इसकी यूनिट जो होती है दैट इज न्यूटन मीटर की पावर 4 किलोग्राम मोल का स्क्वायर. और B की वैल्यू जो दिया था 37 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब पर होल, तो यहाँ पे B की वैल्यू हो गई 37 into 10 to the power minus 3 किलोग्राम पर मोल में हमने इसको ले लिया, तो दिस बिकम 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया. अब वैन डेर वाल्स इक्वेशन जो है दिस इक्वेशन इज p plus a upon v by p plus a upon v स्क्वायर into v minus b is equal to r. अब वन बाय वन हम देखेंगे p प्रेशर, प्रेशर कितना दिया है न्यूटन में हम पढ़ेंगे दैट इज 2 मेगा पास्कल. तो प्रेशर की वैल्यू हम रखेंगे 2 × 10⁶. Here P is equal to 2 × 10⁶ plus A. A की वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हमने इसको चेंज कर दिया है पास्कल को न्यूटन की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके, then this value 4 × 2.55 × 10⁻³. अब यहाँ पे 10⁻³ था, यहाँ पे 5 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻². Then upon V square जो volume है that is 1.259 molar volume की value हम रखते हैं जो gas है, क्योंकि van der Waals equation ये बताता है कि किसी भी जो vessel है या कोई भी container है उसमें gas कितना occupied होगी. So here we put the value of V this into V minus B, V minus B वॉल्यूम आपका 1.259 था, b की वैल्यू यहां पे दिया है दैट इज 37 × 10⁻³. दिस इज द वैल्यू ऑफ b, वी पुट हियर एंड देन सॉल्व दिस. दिस टर्म इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे into b minus b, ये सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू rt. अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू जो आएगी दैट इज 333 केल्विन. जो भी हमारा टेंपरेचर आ रहा है वो वैल्यू बाय सॉल्विंग वैन डेर वाल्स इक्वेशन t = 333. अब इसमें हमने r की वैल्यू को कैलकुलेट किया है इस अमोनिया गैस के लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सी गैस हम ले रहे हैं. तो r की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और नॉट, और नॉट की वैल्यू 8314 कैपिटल n 17 दिया है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 489 जूल पर किलोग्राम. जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज PV इज इक्वल टू mRT, यहां पे हम वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि की वैल्यू इस टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन से कितनी आ रही है. तो इसको हमने कैलकुलेट किया है, PV वैल्यू पुट करेंगे, V दिया है, R की वैल्यू भी हमने निकाला है 489, टेंपरेचर दिया हुआ है, इसको हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें टेंपरेचर निकालना है, m की वैल्यू दिया है और r की वैल्यू दिया है. सो बाय दिस वी गेट p इक्वल टू 302 केल्विन. तो जब भी हम लोग van der Waals इक्वेशंस पे बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मेरा मेन फोकस यही होता है कि a और b के जो कांस्टेंट है जनरली उसकी वैल्यू जो दिया है हम उसको वो उस वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे. देन जो भी गैस है उसका जो एटॉमिक नंबर है जैसे अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि जो भी गैस जिस सिलेंडर में रखी जाती है वो उसके मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है. तो यहाँ से हम एवोगाड्रो ला जो टोटल मास होता है वो स्मॉल एन इनटू कैपिटल एम का जो टर्म्स है दैट इज इक्विवेलेंट इनटू दिस वे. तो ये हमारा वैन डेर वाल्स इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं. Okay, now the third principle, how to calculate the values of pressure, work done and compute this with the help of ideal gas equation. So, van der Waals equation, पहले तो हम numerical को पढ़ेंगे. इस numerical में क्या दिया हुआ है? In the numerical, 1 kilogram mole of oxygen. Again, oxygen जो है, वो 1 kilogram है. तो इसका एटॉमिक नंबर 16 × 2 = 32 एट 350 केल्विन टेंपरेचर दिया हुआ है दैट इज 350 केल्विन अंडरगोस ए रिवर्सिबल नॉन फ्लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन
एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस. पहली चीज तो हमारा मास है 1 केजी है, गैस है ऑक्सीजन, उसका टेम्परेचर दिया है दैट इज 350 केल्विन. अब ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं दिस इज जनरली 2.3 mRT1 log V2 upon V1. So V2 है दैट इज द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंड V इंक्रीजेस फ्रॉम 0.06 मीटर क्यूब पर किलोग्राम टू 0.15 मीटर पर किलोग्राम. जो वॉल्यूम है इट्स रेंज फ्रॉम 0.06 से 0.15 के बीच में है. यूजिंग वंडरवॉल्स इक्वेशन का यूज करके हमें कैलकुलेट करना है अगेन फाइनल प्रेशर पी वर्क डन, एंड हाउ डज दिस वैल्यू फॉर वर्क कंपेयर विद ऑप्टिम बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन. तो जनरली जो भी हमने अभी न्यूमेरिकल डिस्कस किया है उसमें तीन चीजों को फाइंड आउट किया है, जो वंडरवॉल्स इक्वेशन के कांस्टेंट है ए और बी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है. अब उस जनरली हर न्यूमेरिकल में ए और बी की जो टर्म्स होते हैं वो अगर मेंशंस नहीं है सो यहां पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है वो हमें दिया रहना, अगर न्यूमेरिकल में नहीं मेंशन है तो हमें इस वैल्यूज को याद रखना है. ए की वैल्यू 139.35 × 10³ और b की जो वैल्यू है वो है 0.0314. तो a और b की जो वैल्यूज हैं ऑक्सीजन के केस में वो दिया हुआ है, a 139 है और b की वैल्यू है 0.0314. अब वॉल्यूम जो है वो 0.06 मीटर क्यूब पर किलोग्राम से 0.15 मीटर क्यूब पर किलोग्राम हो रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है हमारा ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के लिए हम 16 लेते हैं, तो वी पुट हियर ए और बी इसकी वैल्यूज दिया है. V1 और V2 यहां पे है, V1 0.06 मीटर पर किलोग्राम से ये जा रहा है 0.15 मीटर पर किलोग्राम, तो V1 की वैल्यू 0.016 × 32 इसका जो एटॉमिक नंबर है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे. Then this value becomes 1.92 meter cube per kilogram mole. V2 की value जब हम लेंगे, V2 दिया हुआ है हमारे मॉडल में, that is 0.15, तो 0.15 into 32 करेंगे, then its value becomes 4.8 meter cube per kilogram of mole. तो जो भी value V1 और V2 की है, उसको हमको calculate करने के लिए जो भी वॉल्यूम दिया है और जिस गैस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जो भी गैस है वो जिस चैम्बर में रखी गई है उससे टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है आपका कितना कंटेन हो रहा है. सो P = इन दिस फॉर्मूला, अब P + A / B² V - B = RT जो इक्वेशन है इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज को. कैसे हम ये इक्वेशन साइज के पहले वाले में जो दोनों न्यूमेरिकल में हमने डिस्कस किया है वो किस तरीके से है, P = RT यही रहेगा, B - B से डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा तो -A / B² हो जाएगा, तो P = 8314. हम पहले इसको आरटी के टर्म को सिंपलीफाई करेंगे, 8314 into आपका जो टेम्परेचर है यूजिंग वंडरवॉल्स इक्वेशन कैलकुलेट द नेट प्रेशर. अब जो वैल्यू हमारी दिया हुआ है P, दिस वैल्यू ऑफ P दैट आर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ P इज हियर इन द इक्वेशन दैट इज नॉट 35, दिस वैल्यू इज 350. न्यूमेरिकल में यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर इज 350 केल्विन, तो ये वाली जो वैल्यू होगी दिस वन इज द 350 केल्विन. तो P = यहाँ पे RT 8314, T की वैल्यू 350, तो R × T डिवाइडेड बाय V - B, तो V - B जो वैल्यू हमने लिया है ये जो V2 की वैल्यू है This value, ज्यादा जो value है, उसको हमने लिया है 4.2 - B
b की वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 0.0314 b की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दिया देन माइनस a अपॉन b स्क्वायर सो a की वैल्यू यहां से हम देखेंगे 0.04 bar तो प्रेशर सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई 6.04 bar अब नेक्स्ट जो करें हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन तो वर्क डन का फार्मूला थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में इसके पहले भी जो वीडियो है उसमें वन जस्ट इन पार्ट 2 पी को डिग्री होता है अब हम वैल्यू पुट करेंगे पी की वैल्यू जो है हियर इन दिस फार्मूला आरटी अपॉन बी माइनस टी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर तो जो पी की वैल्यू है वो इस टर्म में इसको हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं p is equal to rt upon b minus d minus a upon b square तो p की वैल्यू हम ले पुट किया rt upon b minus d minus a upon b square into d अब सर इसका सवाल है rt upon b minus d minus a upon b square into dv तो ये जो वैल्यू है वो वर्क डन की w की वैल्यू हो गई अब इस वैल्यू से हमें जो भी वर्क डन है w is equal to rt हम इसको rt r not लेते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट r not जो है वो हमने बाहर ले लिया अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जो भी हमने p की वैल्यू ये पुट किया है यहाँ पे अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी r not into t इसका जो इंटीग्रेशन है r not बाहर हो जाएगा इंटीग्रेट किसमें होगा r not t कांस्टेंट है dv upon 1 minus b तो ये हो जाएगा ln v2 by v1 तो ln v2 minus b upon v1 minus b अब ये v की पावर माइनस टू जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई v की पावर माइनस टू प्लस वन वन अपॉन v और ये लिमिट जो लगी है वो वन से टू है तो v2 से v1 की लिमिट लगी हुई है अब v2 से v1 की जब लिमिट लगी हुई है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे v2 है यहाँ पे v1 आया अब हम इस चीज को सिंपलीफाई करेंगे r0 की वैल्यू 8314 t की वैल्यू 350 ln v2 minus g upon v1 minus g v2 और v1 की वैल्यू हम पुट करेंगे v की वैल्यू दिया हुआ है 0.0314 सेम यही वैल्यू यहां पे भी आएगी इसको जब हमने सब सिंपलीफाई किया और r0 की वैल्यू 8314 t जो दिया है 350 ln v2 जो अभी हमने यहां पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी 4.8 ln v2 4.8 minus g 0.0314 upon v1 minus b, v1 192 है और b 0.314 तो ये इसके टर्म में हो गई प्लस a a इस इक्वेशन में कितना आया 139.35 into 10 to the power 3 तो a की वैल्यू दे रखा 1 upon v2 minus 1 upon v1 b2 और v1 की रेंज क्या होगी 4.8 से 1.9 तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है वो हम डायरेक्ट कैपिटल v की वैल्यू नहीं रख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम की जो यूनिट है वो मीटर क्यूब पर किलोग्राम मोल एक मोल में कितना हम ऑक्सीजन को ऑक्युपाई कर रहे हैं सिलेंडर में इसको हम लेंथी थोड़ा सा है कैलकुलेशन तो थोड़ा जब भी कैलकुलेशन बहुत साइज में लेंथी रहे तो हम उसको थोड़े थोड़े स्टेप में सॉल्व करते हैं तो पहले हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फिर अलग से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे देन वी कैलकुलेट दिस वैल्यू द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 2652 किलो जूल पर किलोग्राम मोल तो यहाँ पे वर्क डन की फॉर्मूला हो गया वर्क डन की वैल्यू 2652 आ गई अब थर्ड पहले हमने क्या किया इस न्यूमेरिकल में तीन चीज फाइंड आउट करना था कैलकुलेट पहले था फाइनल प्रेशर देन वर्क डन एंड हाउ डज दिस वैल्यू ऑफ वर्क कंपेयर विद आइडियल गैस इक्वेशन
तो हमने पहले प्रेशर निकाल लिया। जनरली जब भी हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो इस चीज को ध्यान में देंगे कि P की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते वक्त जो R है वो R की वैल्यू हम लोग 2.83 किलो जूल पर किलोग्राम कैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ R नहीं R नॉट है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 8314 होती है, और यहाँ पे जब हम cos B की वैल्यू रखते हैं तो B जो है वो वॉल्यूम ऊपर न्यूमेरिकल में देखिए लिखा हुआ है कि B increases from 0.6 मीटर क्यूब पर किलोग्राम 2.15 मीटर क्यूब पर किलोग्राम, तो उसमें और जो गैस रखी है दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन V1 और V2 की वैल्यू को सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई वाटर की और ये वैल्यू हमारी आ गई प्रेशर की। अब थर्ड है, इसको हम कंप्यूट करेंगे अगेन वैल्यू फॉर वर्क कंपेयर इट ऑब्टेन बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशंस जो है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन वर्क डन जो होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ PTB। अब ये प्रोसेस कौन सा है, स्टार्टिंग में ही लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन का फार्मूला है दैट इज आर नॉट टी ln v2 / v1। आर नॉट की वैल्यू हम 8314 लिए हैं, टी की वैल्यू 315, ln v2 और v1 की वैल्यू दिया है। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2666 किलो जूल पर किलोग्राम मोल। अब वर्क डन जो हम सिंपल आइडियल इक्वेशन से निकाल रहे हैं वो 2666 आ रहा है, ओके। और जो वर्क डन हम निकाले हैं इस प्रोसेस से जो कि वैन डर वाल्स इक्वेशन के थ्रू पी की जो वैल्यू थी उस प्रेशर को हम पुट किए हैं, ए और बी का जिसमें टर्म आया है उससे वैल्यू आई है 2652। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। सो दिस इज द वैल्यू ड्यूरिंग वर्क डन इन सिंपल प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। वर्क डन जो होता है वो पीटी ही होता है, और जब हम ये वर्क डन कैलकुलेट किए हैं तो इसमें वर्क डन की जो वैल्यू हमारी आई है वो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी वहां से हम कैलकुलेट किए हैं, तो दोनों में लगभग वैल्यू सेम आई है। तो इन द टुडे वीडियो वी डिस्कस द थ्री न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग हाउ टू सॉल्व द वैन डर वाल्स इक्वेशंस with the help of the value of P. P is the pressure. तो A और B जो universal constant है, पहली चीज तो इसकी value different gas के लिए different होती है। अब पहले हमें van der Waals equation को याद करना है, फिर जो हमें P plus A upon V square है, ये जो terms है, उसको हम direct volume में नहीं put करेंगे, इसकी value जो होगी, ये depend करेगी कि gas कौन सी है सिलेंडर में और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एवोगैड्रो लॉज में जो उसका मास होता है और उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 1 लीजिए तो 1 ही होगा, ऑक्सीजन के लिए 16×2 हो जाएगा दैट इज द 32, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी पी की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे जो कि ये वैल्यू है, हम इसमें उसके गैस के जो मॉलिक्यूलर वेट उसका होता है जो कि एटॉमिक नंबर गैसेस का ऑक्सीजन हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इसका हमें पता होना चाहिए। तो वैल्यूज को पुट करते वक्त ये ध्यान देना है कि इसकी जो यूनिट होती है ए और बी, ये प्रेशर है, इसकी यूनिट बार है, इसकी जो ए की यूनिट है वो न्यूटन मीटर के पावर 4 किलोग्राम मोल का स्क्वायर, और बी की जब यूनिट हम लेते हैं देन दिस इज मीटर क्यूब पर किलोग्राम मोल। तो जनरली हमें इंटीग्रेशन की जो टर्म्स है उस चीज को आनी चाहिए कि जब भी हम वर्क डन को इंटीग्रेट करते हैं तो जो पी है वो यही पी आएगा, इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी इज इक्वल टू एम आर टी, और वैन डर वाल्स इक्वेशन है उसको पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं आएगी, दोनों की वैल्यूज में बहुत माइन्यूट डिफरेंस आएगी। तो इस तरीके से हमको पहले इसके यूनिट्स पे ध्यान देना है, जब भी हम वैल्यूज लिखते हैं वी की तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता है, इसमें हम जो भी गैस होती है उसके एटॉमिक नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन के लिए 32, अमोनिया है तो 40, 17, 19, n का 14 है, और H3 1 × 3, 17 हो गया, हाइड्रोजन है तो 1 ×
2 over here. So in this way we can calculate how the equations of van der Waals, the unknown terms is to be determined, a or b jo hai wo aapka constant hai. Okay, so in this video we discuss only these terms. In the next video we solve the different type of numerical regarding first law of thermodynamics. Okay, thank you.